हेलो गाइस, वेलकम टू माय टेक्नो गेमिंग यूट्यूब चैनल। मैं संजय और आज हम इस बार के शॉट ऑफ द वीक 601 गोल शॉट के बारे में बात करेंगे, बताएंगे ये शॉट कैसा है, कैसे इस शॉट को खेलना है, फुटवर्क एंड टाइमिंग वगैरह को कैसे करना है और लास्ट में बताएंगे क्या सही में इस शॉट को परचेस करना चाहिए या नहीं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप करके पूरा जरूर देखना। ओके दोस्तों, सबसे पहले बता दूँ ये शॉट राशिद खान की एक फेवरेट शॉट है। ये शॉट डीप मिड विकेट के तरफ खेले जाने वाला एक 4 o'clock शॉट है और ये शॉट आपको सिर्फ फ्रंट फुट पर ही देखने को मिलेगा। इस शॉट का आइडियल कनेक्शन जोन नी हाइट है, मतलब यॉर्कर लेंथ और फुल लेंथ बॉल के लिए ये एक परफेक्ट शॉट है। बाकी गुड लेंथ बॉल को भी कनेक्ट कर पाएंगे, बस बॉल की हाइट नी हाइट के आसपास होना चाहिए। ओके फुटवर्क के बारे में बात करें तो जैसे बॉल की लाइन सीधी या अंदर की तरफ होने पर आप पिचिंग सर्कल से जस्ट पीछे रहकर भी शॉट को खेल सकते हैं और आप चाहो तो पिचिंग सर्कल के एकदम ऊपर जाकर भी शॉट को खेल सकते हैं। वही बॉल की लाइन बाहर की तरफ होने पर आप पिचिंग सर्कल के ऊपर जाकर शॉट खेल सकते हैं या आप चाहो तो पिचिंग सर्कल से थोड़ा आगे जाकर भी शॉट को खेल सकते हैं, ठीक है। बाकी शॉट को सही से टाइमिंग करने के लिए जैसे फास्ट बॉलर के लिए बॉल हाथ से रिलीज होने के बाद और स्पिनर के लिए बॉल पिच होने से थोड़ा पहले आपको अपना शॉट खेलना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैंने अभी तक इस शॉट को जितना भी खेला हूँ उसके हिसाब से मुझे ये शॉट काफ़ी अच्छा शॉट लगा है, क्योंकि इस शॉट का बैट स्विंग काफ़ी बढ़िया है, इजी टू कनेक्ट शॉट भी है। उसके अलावा इस शॉट का मैक्सिमम सिक्स डिस्टेंस भी 140 प्लस से ज़्यादा है, इसलिए आप इस शॉट को डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं। ये शॉट काफ़ी बढ़िया शॉट है, बट इसी सेम डायरेक्शन पर ऑलरेडी काफ़ी सारे गोल शॉट पहले से मौजूद है, जिनमें से 226 गोल शॉट मेरे फेवरेट शॉट है। और अगर मेरी तरह आपका भी ये शॉट फेवरेट है देन आपको इस शॉट को परचेस करने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि दोनों शॉट को तो आप एक साथ नहीं खेल पाएंगे, किसी एक को ही खेल पाएंगे, तो ये बात थोड़ा दिमाग में रखना। ओके तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो पे लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। बाकी आपको ये शॉट कैसा लगा और क्या आपके हिसाब से इस शॉट को परचेस करना चाहिए या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।